इस घर लो तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुआ जी हमारे साथ में जा रहे हैं, अपने गांव जाएंगे वापस। बुआ ट्रेनिंग दे रही है पैर दाबने की, बता रही कैसे दाबने। मैं संग ली नहीं बेटा, थोड़ा सा दिन ये स्कूल जाएगी और सिव न जाएगी ननिहाल। ठीक है, बाय बाय सिया। चलो भाई बुआ जी को यहाँ से चढ़ा देते हैं, गांव जाएंगे, 4-5 घंटे का रास्ता है। वीडियो अपलोड नहीं हुआ है इसलिए ऐसे लैपटॉप लेके बैठा हूँ। बुआ जी को देखे छोड़ दिया पूरे रास्ते में, अब हो जाएगा। चढ़ा इसको भी चढ़ना है, दादी को तो चढ़ा दिया भाई। दरअसल बुआ जी को चढ़ाने के बाद में हम लोग आ गए हैं खेतों के अंदर और आज खेत में जाएंगे, खाना पीना वहीं पे करेंगे। माचिस लानी भूल गया था इसलिए वापस जाके लेके आया हूँ। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चूल्हा बनाएंगे रेत का ही। सब्जी लियो के चीज चाहिए बोल। लोहिया। मैं और शिव ने सब्जी तोड़ने के लिए आए हैं लेकिन अभी तक लगे ही नहीं है कुछ। चुना, अरे ना बेटा ना बेटा, यहाँ नहीं दिखा दे फड़ी फड़ी। सिया गई है 10 दिन के लिए बेटा। खा ले। देखो रेत के अंदर चूल्हा कैसे बनाते हैं। वो टोपियो ले काट गई चोड़ने वजह टोपियो बस कराओ। पानी बोलो दिखेगी तने टोपियो मांगियो। अच्छा यहाँ कह गए एक अटकर तो करते हैं थोड़ थोड़ ओए बहुत छोटा टोपी यार। ओए देखो छोटा टोपियो ले ली। हाँ तो छोटे से मैं कहो लेकिन तो एकदम ही छोटा ले लियो, तो कोई हाल में भी कुछ नहीं बना सकते इस पे। तो है बनेगो यार। तो तेरे आ गई कौन सी 1 किलो बिकन कौन लाग रहे हो वो कैंपर रखे आते पूरी 5 लेके आए माचिस या 1 भी नहीं चली। 1 किलो जगा दे मामा पी दूंगी सारा। ओ जुकी 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 ओके गए कुछ ही बनी है। देखो हवा कितनी तेज चल रही है। एकदम कच्चे कच्चे तुरंत ही हम खेत में से तोड़ के लाए। और दे दे, इसे कहते हैं शौक कोड। सारे खांसी गए लोहिया, कोई नहीं खाता जो जानता है वो, तो क्योंकि मती रहे खाते हैं सब। अब ये कच्चे कच्चे सीधे खा रही है तो मैं भी इन देख के खाऊं। अरे यार फीको फीको टेस्टी है ये तो, ताजा तो डेढ़ है इसने टेस्टी वही अंदर वाला पार्ट है ना ज्यादा टेस्टी है। वेट कर रही है कब बनाएं कब खाएं कब बनाएं कब खाएं। सारे मसाले वसाले सब एक साथ ही डाल लिए यहाँ पे। देखो भैया हवा कितनी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, परेशान कर रही है। थोड़ी सी सब्जी है तो फटाफट बन जाएगी। मैंने पीछे से पूरा खोद दिया क्योंकि हवा पास नहीं हो रही थी और अब पूरा ऐसे लग रहा है गिरेगा। बच गया। जबरदस्त अब आग लग गई, जबरदस्त लग गई। देखो खेत
खेत में आके खाना बना के खाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है, ऐसे याद रहता है कि हाँ उस दिन खाया। बस अब रोटी बनानी बाकी है, सब्जी तो हो गई। बाजरी के आटे की हम लोग रोटी बनाएंगे सीधी, क्योंकि गेहूं का ओसन ना आ रही है चीज, खेतों में मजा नहीं आता। बाजरी की जो खाते हैं ना उसका ज्यादा ही मजा आता है, वैसे भी आपको पता ही है। अरे भूख लागी चुना, भूख लागी भाई, लंबा बड़ा के देऊं तन। ये भी शिवनिया की रोटी नीचे सीख रही है, देखो फिर बड़ी दिक्कत हो रही है बाजरी की रोटी बनाने। ओए तेरी रोटी सीख गई बेटा, इसको भूख लगी हुई है जबरदस्त शिवनिया को, मुझे भी लगी हुई है, कल एकादशी का उपवास भी था। ये शिवनिया की छोटी सी रोटी ए, ये तो पक गई देखो बाजरी। वाह ये जो कलर है ना, ये वाला कलर, ये ऐसे गैस पे कभी नहीं सिकती ऐसी, ये देख लो ये ऐसे। एक रोटी जो है टूट गई, इसलिए टूटी हुई के भी टुकड़े टुकड़े हमने शिकार लिए, काम आएंगे। यहाँ पास में गाय है, एक रोटी हम गाय को डाल के आएंगे। आखिरी जबरदस्त है रोटी, जबरदस्त आखिरी। अभी हम लोग चूरमा भी करेंगे घी लेके, ये हम लोग बाजरी की रोटी का अब चूरमा बनाएंगे। ये इसके अंदर घी फुल ये गुड़ भी है साथ में। थोड़ी देर तो देखिए चूरमा तैयार है और एकादशी का उपवास आज सुविधा है, तो मैं पहले भोग लगाऊंगा, ऐसे हमारे धूपिया करते हैं, तो ये पे लगा देता हूँ सीधा ही। पहले भोग लगा दियो फिर गा खातर निकाल दियो। ए महाराज विष्णु भगवान एकादशी विष्णु भगवान की होती है। ये गाय को देंगे इतना, एक रोटी और चूरमा। शिवने नहीं दो काशी बेटा, बाजरे की रोटी। चूरमा बहुत पसंद है शिवन्या को, चूरमा बहुत पसंद है। अब हम लोग बाजरे की रोटी और ये खाएंगे सब्जी। सिर्फ दो लोहिया की हम लोगों ने सब्जी, देखो इतनी सारी बन गई। हाँ दही बाजरे की रोटी और सब्जी, नाक पर दही भी डालते हैं। नाक पर दही। खाना तो खा लिया और उसके बाद में अब रोटी है वो गाय को दे देंगे। यहाँ पे ये गाय है, ये भी गाय है, दोनों को देते हैं। आधी आधी कर दो। अरे भाई ले ले तो चाट ले भाई चाट ले। रोटी खिला दी गाय को, चलो अब चलते हैं। अब क्या है कि थोड़ा और काम है, वो करने के बाद में शिवन्या और इसकी मम्मी, ये तो शिवन्या जाएगी अपने ननिहाल और मैं वापस गाँव, सामान पैक करो। 10-12 दिन के लिए गाँव जा रही है ये अपने, और मैं अब वापस जाऊंगा। लबित मास चॉकलेट मिल गई बस, इसको तो जूस थोड़ी पीना है। एक सही बात बताऊं, ये अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए जो मिठाई लेके जा रही है वो मेरे से टेस्ट करा रही है। बढ़िया है ठीक, रसगुल्ले हो गए और ये ककली होगी। वो वापस अब रक्षाबंधन के बाद में आएंगे, 8-10 दिन बाद में। मम्मी ने याद करा है? कैसी नन देखो मैं था जितनी बड़ी हो गई हूं। देखो भाई मैं तो बड़ी हो गई, मेरे मौज बढ़ी, अब मेरे कॉलेज लाग से। बड़े होते तो मौज नहीं होती, छोटों की मौज होती है बेटा। बच्चे होते हैं तब उनको ऐसे लगता है बड़ा हो जाऊं, बड़े होने के बाद ऐसे लगता है बच्चा हो जाऊं। मैंने दादी के साथ में मिलके राखी बनाई थी आज, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ। लेकिन दादी को मेहनत लगी क्योंकि दादी हमेशा कुछ ना कुछ पर्स गुड्डी कुछ चीजें बनाती है, मैं तो कभी नहीं बनाती।
बनाना सीख जाएगी। ये है हमारा गांव और आज की यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। राम राम। राम राम।